16 साल से नगर निगम की हसरत रखने वाले पालमपुर के जल्द ही दिन फिरने वाले हैं। फिलहाल नगर परिषद और नगर निगम के बीच छूट रही चाय नगरी का सपना साकार हो गया है। पालमपुर नगर निगम को लेकर बनी असमंजस की स्थिति पर पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर भाजपा नेता शांता कुमार ने कहा कि इसके लिए पहला कदम उठा लिया गया है। इस संबंध में औपचारिकताएं पूरी होने के साथ ही पालमपुर अब नगर निगम का दर्जा हासिल कर लेगा। कैबिनेट की मीटिंग में अंतिम निर्णय हो गया है कि पालमपुर को निगम बनाना। इस संबंध में मुख्यमंत्री महोदय से मेरी बात हुई है। निगम बनाने के लिए पहला स्टेप है क्षेत्र बढ़ाना, उसका काम शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन से एरिया बढ़ाने की रिपोर्ट मंगवा ली है, रिपोर्ट चली गई है। कहीं भी निगम बनाना हो तो सबसे पहले एरिया बढ़ाया जाता है, एरिया को अंतिम रूप दिया जाता है। वो काम हो गया है, उसके बाद निगम बनेगा, मेरी बात हुई है। और मुझे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात पर पूरा भरोसा है। किसी प्रकार का किसी शब्दों के कारण या कुछ और बात कहने के कारण, वैसे श्री सुरेश भारद्वाज जी ने जो कहा है वो एक अखबार में बिल्कुल सही आया। उन्होंने कहा पहला स्टेप जो है एरिया बढ़ाने का, उसके आदेश हो गए, उसके बाद निगम बनेगी। इस बारे में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मैं मुख्यमंत्री और हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं पालमपुर की जनता को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। उपलक्ष पर गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुला के समस्त स्टाफ व मेरी ओर से समस्त अध्यापक वर्ग को हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड 19 के इस कठिन समय पर अध्यापन की चुनौती को आपने बखूबी निभाया है। आने वाले समय में भी आपसे ऐसी ही अपेक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्वाली से पंडित विपिन शर्मा, एस्ट्रोलॉजर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पूरे देश में कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, तो मैं आप सभी प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने घर पर रहें, बिना कारण बाहर ना निकलें और सैनिटाइज़र अपने पास रखें, उससे हाथ साफ करते रहें और अपने मुँह पर मास्क रखें और बिना कारण कहीं बाहर ना जाएँ। धन्यवाद।